के चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ओवरब्रिज बन रहा है जो किसानों का कहना था कि उनको नुकसान नहीं हुआ है, और एनएचआई कहना है कि अभी इनका मुकदमा डीजे कोर्ट में चल रहा है। इनमें दोनों पक्षों से बात करके बीच का रास्ता समन्वय करने की बात की जा रही है, और फिर से इसी में वार्ता के लिए फिर से शुक्रवार को लोगों को 9:30 बजे तहसील बुलाया गया है, दोनों पक्षों को बैठा के जो विधिक निर्णय होगा। सर बच्चों को, सर इस प्राथमिक विद्यालय चलता है इसी रोड पे, एनएचआई ने तोड़ दिया, 350 बच्चे हैं, किसी स्कूल में बच्चे नहीं है, जहाँ पे बच्चे को पढ़ने की सुविधा चाहिए उनकी स्कूल तोड़ने के एनएचआई से रोड पे पढ़ रहे हैं। दो साल से बच्चे। मैं नया आया हूँ, आपने संज्ञान में लाया है, डीएम साहब के संज्ञान में होगा, बना के देंगे, ये तो ये है। और सबसे बड़ी बात है नदी के किनारे है, शमशान घाट है वहाँ पे, अब ये चीजें हैं, ये बना के देंगे। ठीक सर, हाँ जी, कल मिल जाएगा, आजकल में मिल रहा है एस्टिमेट, हम लोग उसको डिपॉजिट वगैरह कराएंगे जी, उसको क्या कहते हैं पीडब्ल्यूडी को देंगे, उसको डिपॉजिट। कब तक विद्यालय बचेगा ये? अब जैसे सी डी साहब का मतलब हम लोग लेटर कम से कम अराउंड 15-20 डेज हो गए हैं, जब हमारा लेटर गया है सी डी साहब के पास में। दो साल से बच्चे इधर उधर पड़े हैं। कौन पैसे खा गया? क्या नाम है आपका? मेरा जय प्रताप सिंह नाम। क्या पद है आपका? ठीक सर, क्या मामला हो गया ये? रविदी और सरोज का मामला है 4 लेन से संबंधित। क्यों काम रुकवा दिए हैं आप? नहीं, हम लोग काम नहीं रुकवाए हैं जी, हम लोग अपने जो है पैसे का डिमांड कर रहे हैं। ये एनएचआई जो है केवल जो है एक रेट फर्स्ट गजट का जो है लोगों ने 1000 का रेट जो है गलत रेट दिया हुआ है। आर्बिट्रेशन में गए थे ये लोग, और ये लोग जो है आर्बिट्रेशन में हार गए, जो ये डीएम साहब ने वहाँ पर आदेश पारित किया कि 3600 का रेट दिया जाएगा, जो कि समझौते के तहत हुआ। अब इसको ये लोग जो कह रहे हैं कि जिन्होंने समझौता किया वो गलत है, यानी कि टेक्निकल मैनेजर ये भी हैं, ये जय प्रताप जी, और टेक्निकल मैनेजर इसके पहले थे योगेश तिलक जी, उन्होंने समझौता किया, तो हम लोग इनकी बात क्यों माने? अब ये अपने उच्च अधिकारी को या तो पीडी को लाए चाहे आर ओ को लाए। तो डीएम साहब ने क्या आदेश किया? डीएम साहब ने आदेश कर दिया जो है कि 3600 का पेमेंट किया जाए। उसके बाद इन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया डीजे के यहाँ, वहाँ से भी ये लोग जो टाइम बाट के वजह से जो है कंसीड कर दिया गया इन लोगों का जो एप्लीकेशन, फिर जो है उसको जो है उसके 17-18 महीने बाद ये लोग फिर जो है डीएम साहब के यहाँ रिवाइज के लिए फिर चले गए। इसमें भी है, हाँ, फिर जो है डीएम साहब के यहाँ, जो कि वो प्रावधान नहीं है, डीएम साहब ने तुरंत इसको खारिज कर दिया, सुन करके गए इन लोगों को। कितने किसान हैं जो पैसा नहीं मिला? लगभग जो है 100 से 150 किसान है, रोहिणी और सरोज लेकर। अच्छा, पैसा दीजिए। और कितने लोगों का 1 रुपया तक नहीं पेमेंट किए लोग, और रास्ता बना चुके हैं, जब तक पैसा नहीं मिलेगा जब तक पैसा नहीं होगा तब तक काम है। ये लोग अधिक जमीन पर भी काम कर रहे हैं, यही हम लोगों का विरोध है कि पेमेंट जो रुका हुआ भुगतान है जो उसको क्या करते हैं, नहीं डिफरेंस का जो पैसा बचा हुआ है वो हम किसानों का पेमेंट करें, और जो एक कम पेमेंट नहीं किए उसका पूरा पेमेंट करें, तब जाकर के अपना काम।